होटल का रास्ता जो है अब्बू गूगल मैप से देख रहा था, बट आर पापा वॉज लाइक नहीं मैं हूँ गूगल मैप। और लेते लेते पता नहीं कहाँ पे कौन सी सुनसान गलियों में ले आया पापा, होटल दिख गए वहाँ है लेकिन अब जाना का ये रास्ता तो है नहीं और ये सुनसान भी लग रहा है। तो हम पहुँच पाएंगे घर? गुड मॉर्निंग गाइस आज है थर्ड डे और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। हम जा रहे हैं आज कैपडोशिया। स्पेलिंग्स बताओ कैपडोशिया की। तू बता दे चल। चले गाइस कैपडोशिया चलते हैं। और यहां पे ये देखो फोटो सेशन आते ही खाले, वेट नहीं करनी देरी किसी ने, आजा जल्दी। फ्लाइट का टाइम हो गया और इसका भी फोटो शूट ही नहीं खत्म हो रहा। और ये देखो कितना सुंदर, बाय गॉड बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। 12 बजे की फ़्लाइट है और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे 9 बजे। और उसको इस लड़के को पीनी है ग्रीन टी यहाँ पे, लेकिन ग्रीन टी नहीं है, ये कॉफ़ी का शौकीन, ये चाय का शौकीन। नहीं ली, नहीं ली। मैं लिया क्लासिक फ्रैप्सिमी। वो क्या होता है पता नहीं, कोल्ड कॉफ़ी जैसा लग रहा था सुनने में। मैं भाई दे दे, फिर मैंने बोला इज दिस फ्रैपेचिनो, कह रहा है यू वांट टू, मैंने कहा नो आई एम आस्किंग इफ फ्रैपेसिनो इज फ्रैपेचिनो, लाइक एल है कुछ नहीं समझ आता। मैंने कहा तू दे दे वो हेडफोन लगा के बैठा हुआ है, इसका मतलब पता क्या है, ये उनमें से है जो हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं जोर से और फिर तेज बोलते हैं चलो। तू क्यों स्माइल कर रहा है, तेरे को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। ये दीन दुनिया से परे है, ये हेडफोन लगा के बैठा हुआ है, इसको कुछ नहीं पता कोई क्या बोल रहा है। मस्त रहा मस्ती में, आग लगे मस्ती में। ये मलन साहब चाय तो मिली नहीं, कॉफी से काम चला रहे हैं। ये है फ्रैपेसिमो, फ्रैपेचिनो, फ्रैपेसिमो, नो ऐसे फ्रैपेचिनो ही से फ्रैपेसिमो। अब ये पता चलेगा ये वही है या नहीं है, थोड़ा लाइक मिल्क कम है, पानी मिल्क है। तो होगा ही नहीं इसमें, नहीं आइसक्रीम है, आइसक्रीम है पर पानी थोड़ा पानी वानी ज़्यादा। अच्छी है, ज़रूरत ही नहीं आइसक्रीम डाली हुई है क्या जी। इट्स गुड। तो हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट पे बहुत जल्दी, तो यहाँ बैठे बैठे मेरे को भूख लग गई। और यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता ना वेजिटेरियन। तो फाइनली पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद ये देखो क्या मिला, ओनली सैलेड। तो ये अभी मैं खाने लगी हूँ। तो पहुँच गए हम कैपडोकिया और अपने लगेज की वेट कर रहे हैं। ये यहाँ का एयरपोर्ट देखो, एयरपोर्ट तो ऐसा है जैसे भाई एयरपोर्ट तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया भाई, इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है भाई। एयरपोर्ट छोटा है लेकिन यहाँ के लोग बड़े लंबे ऐसे करके देखना पड़ता है। वैसे हाँ यार, मतलब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है मैं इतना लंबा हूँ नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत लंबे लंबे। मम्मी आप अभी ऐसा लग रहा है नीचे फ्लोर पे खड़े और नोनू एक फ्लोर ऊपर है। बाईस की मुंडी का है दिख नहीं रहा क्या मम्मी, दिख नहीं रहे? नहीं मैं पांचवें माले से खड़े इस लेवल पे, इस लेवल से अगर रिकॉर्ड करो तो मम्मी ओ सॉरी आप यहाँ हो। तो हम बैठ गए गाड़ी में और निश्चय अभी फिर से गायब, कल भी वो गायब था आज फिर से गायब। और इसकी तो नींद ही नहीं पूरी होती, गाड़ी की पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है, कहेगा यहाँ पे मैं तो सोऊंगा। वाह मम्मी वाह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया चीज दिखाई है। यहाँ के होटल का नाम है कैरिस, ये कैरिस कैपेडोकिया, कैरिस कैपेडोकिया केव्स टाइप बना हुआ है ये, इट्स अ केव स्टाइल होटल। यहाँ पे ये देखो जैसे पुराने जमाने में होते थे ना गांव में, ये घड़े बड़े होते थे, ये घड़ा पड़ा हुआ है, ये सुराही पड़ी हुई है यहाँ पे, और एंशिएंट पीस मैं भी पढ़ा हूँ। ये सच में वही एंशिएंट वाले वो मुगलों के जमाने में होते थे ये सारे, बिल्कुल सेम वैसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। नोनो तो इसमें छुप जा, ये देख क्या नीचे गुफा है, ये तो वो अलादीन वाली है गुफा, खुल जा सिम सिम देख के उधर ना सीढ़ियां बहुत अजीब है। ओ माय गॉड ये क्या है भाई,
तो बहुत ज्यादा अंधेरा है यहाँ तो डर ही लग रहा है मेरे को। रात को भूत आएगा तुझे पकड़ के ले जाएगा। ये मटका देखोगे तो बड़ा, कोई इसमें छुप जाए तो पता भी ना चले। ओ माय गॉड, ये तो जंगल में मंगल है। By God, क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है भाई। ऐसे मूवीज वगैरह में देखते हैं हम ऐसे व्यू, एंड मतलब कुछ वो देखो वहाँ पे, वो सामने देख ना सारी केव्स बनी हुई हैं। केव्स है? हाँ। So these are actual caves जिनके अंदर होटल होटल बना रहे हैं लोग, रह रहे हैं। Alright, तो अभी हम कमरे देखने जा रहे हैं। वो ऐसा अभी हम इस वक्त बाथरूम में खड़े हैं, ठीक है? Come on. केव के अंदर रहने वाले हैं हम कुछ दिन। Wow, you look so pretty. All right, guys, तो अभी हम जो है कैपाडोकिया में निकल गए हैं अपने होटल से घूमने फिरने। वैसे भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो खाना भी है। प्लीज भाई, ये कपड़ों की दुकान के सामने इस प्राणी को तो मत ही रोको, वरना ये अंदर चली गई तो फिर आधा पौना घंटा यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। और भूख बहुत ही ज्यादा लग रही है भमाई। वहां पे ऊपर देखो वो बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। वाओ, क्या कह रहे हो? अभी मैं कपड़े लेने के मूड में नहीं हूँ, अभी फिलहाल तो मैं भूखा हूँ, भोजन लाओ, वो वाला हाल हो रहा है। कसम से एकदम क्यूट टेडी बियर पांडा लग रहे हो। ये पीछे वैसे रेस्टोरेंट है, इसमें जा सकते हैं। क्यों अच्छा है, हड़ियो जरा व्यू अच्छा है। और पापा तो भाई कसम से जब कैमरा ऑन होता है ना, कोई भी कैमरा ऑन करे, हाँ हेलो ठीक है नमस्कार ओके फ्लाइट है इतने बजे की है। एक रॉन्ग नंबर से फोन आया भाई साहब को, उस रॉन्ग नंबर को भी बता रहे हैं, भाई साहब हम तो टर्की में हैं यार, रॉन्ग नंबर है। और यहाँ पे हमें एक कैफे मिला जिसमें इंडियन फूड मिल रहा है। इट्स नॉट कॉल्ड इंडियन फूड, इट्स कॉल्ड वेज खाना। मम्मी वेज स्प्रिंग रोल इंडियन फूड नहीं होता, जो भी है मतलब स्नैक्स स्नैक्स मिल गए ना एक्चुअली में, वेज स्नैक्स वगैरह मिल गए और वो बहुत टेस्टी भी है। यू लाइक इट? क्योंकि तू ही नहीं खाता। यम्मी है, यम्मी है। फ्रूट बॉल ऑर्डर करा, पिज्जा, ओ पिज्जा कह रहा हूँ, बर्गर आ गया। बर्गर का साइज देखो, साइज कितना भी बड़ा हो निश्चय एक बाइट में खा के दिखाएगा। 50,000 और बढ़ा दे, कितनी बाइट हो, 50,000 एक बाइट में, 10,000 और बढ़ा दे। क्या बातें करते हो बच्चे, डन खा ले, 5,00,000 10,000 और बढ़ा दे, 50,00,000 दे एक बाइट में, 10,000 और बढ़ा दे। मानव है ना कि आदि मानव। वाह वाह भाई, गाइस जिंदगी का सबसे सुंदर व्यू देख रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी का आज। आज मजाक सड़ के ला रहा हूँ, ये सोच रहा है कि ये बात नहीं कर रहा था, बट ये व्यू देखो। ओ भाई मेरे हाथ कांप रहे थोड़े, आई एम सो सॉरी। वो देखो पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, पंछी भाई सलमान भाई गाड़ी चला रहे होंगे तो तेरे को ले जाएंगे साथ ही। उस पेड़ पे बैठ जा पंछी, वो देख कितना प्यारा लग रहा है। ये तो शुक्र है यहाँ पर सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे, नहीं तो तुझे कहीं भी ले जाएंगे जैसे तू रोड पे घूम रहा है। यार वो पीछे पहाड़ कितना सुंदर, इट इज एग्जैक्टली लाइक 1 डिग्री टेम्परेचर, दिल्ली से भी ज्यादा ठंड हो सकती है क्या कहीं, ऐसे सोच नहीं था। वो देख उनसे बोला भी नहीं जा रहा, तू और 15 मिनट कहाँ पे है, वो पर्स भी नहीं पकड़ा जा रहा, देखो एक घंटे में चलो खाली एक्सरसाइज करना, चलो एक्सरसाइज करो सारे यहाँ पर, 3, 2, 1 गो, ये लेट्स गो। ये हुम्बा हुम्बा कर रहे हैं यहाँ, मेरा हुम्बा निकल रहा है। निश्चय ने तो फिर बहुत सारे कपड़े पहने हैं, अपने तो नीचे कपड़े नहीं है। करते हैं हम रुम्बा, सरप्राइज होती है ज़ुम्बा, मम्मी लग रही है टिमोन द पुम्बा। वाओ क्या राइमिंग करी सर, तो भाई चले आगे आगे ऐसे अल्लाह भाई, थोड़ा ना यहाँ पर चलते रहना चाहिए ताकि गर्माहट शरीर में बनी रहे, है ना भाई, दौड़ना शुरू कर दे। तो गाइस फाइनली हमारे को आग मिल गई है जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था। कैसा लग रहा है सर यहाँ के? पहले तो ये बताइए गाइस, गाइस करना जरूरी होता है। यो व्हाट्स अप गाइस, मम्मी ऐसे चालू करती है ना, यो नहीं मम्मी बोलती है यो व्हाट्स अप गाइस,
गुड मॉर्निंग यो व्हाट्स अप गाइस ऐसे हाथ भी जाता यो व्हाट्स अप गाइस गुड मॉर्निंग फिर ऐसे ऐसे भी तो कर यो व्हाट्स अप गाइस आंखें भी तो ब्लिंक करती है ये दो यहां पर आग सेकर और वहां पर पिताजी भी लाइक मैं किन के साथ आया हूं ये देखो ऐसे कभी इंट्रो करा गुड मॉर्निंग ऐसी करा करो लोग 10 गुना लाइक ज्यादा करेंगे आपके लिए बिखरने का मुझको भाई मैं तो जम गया मैं तो टूट गया सर्दी में इनका तो फिर भी ठीक है जो व्लॉगिंग कर रहा है उसका सोचो हाथ ला दे बैग ले भाई वाह आप भी देख लो आज पाओ ऐसे यहाँ पर क्या लग रहे हो आप ना एकदम इस व्यू के साथ बस एक आप ही की तो कमी है आहा क्या प्यारा व्यू है वाकई पापा इज राइट बस इस व्यू में पापा आप और मैं और ये और क्या चाहिए मैं हम दो हमारे दो बाकी रो कुछ भी बोलते हैं आप कुछ हो गया भाई आगे चले ओके इस डॉग का साइज देखो आई लव डॉग्स अबू तेरा भाई अरे तेरा भाई सही बोला मैं गलत फंस गया दोनों को बात मेरी लग मैं तो बोल रहा था जा बैठ जा फिर कहते तेरा भाई सही कह रहा है पैसा बहुत लगे पापा रोज गाली देंगे चार तीन प्यारे प्यारे से टेडी बियर बहुत ही सुंदर कैपेडोकिया में बस ऐसे ही चले जा रहे हैं हम भी है अब हम कर क्या रहे हैं बस ऐसे घूम रहे हैं मम्मी को डॉगी से डर लग रहा है भाई वो एक्चुअली में डॉग बहुत बड़ा है साइज में एक बार अगर दैट डॉग इज ह्यूज इज वेरी क्यूट वो करता है इज वेरी क्यूट पापा पापा एक डॉग ले ले हम भी ले ले मम्मी एक डॉग तो है तो हमारे पास अरे बस हो गया ही अब मम्मी सच में डॉग चाहिए एक हम भी एक मैं ले रहा एक डॉग बिकॉज़ आई थिंक ठीक है डॉग ले लेंगे मुझे चाहिए एक मिलियन लाइक्स तो नहीं होंगे पर मुझे डॉग चाहिए बट अगर 1 मिलियन लाइक्स हो गए तो फिर ऑफिशियली तुम सबको भी साथ में मेरे अप्रूवल करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर मूवी में कसम से एक तो तू हैरी पॉटर का वो ग्रिफिंडोर वाला वो पहन के आया हुआ है मफलर मैं अपना रखा आया था कमरे में क्योंकि पता नहीं मन नहीं कर रहा था कैरी करने का बट सच में वो हर जगह पे आ गया हाथ सेकने के लिए मैं जेन्युइनली ऐसे ही फील कर रहा हूँ कि मैं पता नहीं हैरी पॉटर वाले वर्ल्ड में हूँ मतलब वो वाली बिल्डिंग तो ऐसे ही लग रहा है हवा निकल गई भाई डिनर करने हम आए तो डिनर करने के लिए ठीक है क्योंकि सेंट्रली हीटेड है यहाँ पर भाई वाओ फिर भाई इसने अंदर गर्म बनियान उसके ऊपर स्वेटर उसके ऊपर जैकेट उसके ऊपर गर्म बनियान उसके ऊपर एक स्वेटर जैकेट और ऐसे 15 लेयर पहन रखी है इसने तो इसको कैसे ठंड लगेगी और ये देखो हमारी लिटिल पांडा अभी ना ऐसा कॉन्फिडेंटली चल रही थी मम्मी जैसे ही डॉगी सामने आया तो डर लग गया डॉगी बहुत तेज भौ भौ कर रहा है इसलिए हम रोड क्रॉस कर रहे हैं वो सिर्फ गाड़ियों में भोंकते हैं गाड़ी देख के उनको लगता है गाड़ी चलाने उनको गाड़ी देख के लगता है कि हमारा इलाका हथियाने आ गए हैं कोई और चार पैर वाले समझो मम्मी को लग रहा फुल डर वो भी ना बड़े तेज हैं हमारे पीछे पीछे आ रहे डॉगीज मम्मी सब बड़े साइज के हैं डबल तो डर तो लगेगा ही तू ना डरेगा कभी तू ना रुकेगा कभी कर शपथ अग्निपथ लेट्स गो मुझे किसी ने सिखाया था डॉग्स होते हैं ना वो फियर सेंस करते हैं तो डरो मत एक बहुत पॉपुलर कहावत है मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि जो बहुत दिल के साफ होते हैं और जो बहुत लॉयल होते हैं वो डॉग से नहीं डरते हैं मैं अपनी बात कर रहा था बेसिकली ऐसे कहते हैं बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते अभी ना हम वापस आ रहे थे खाना खा के होटल तो ये देखो होटल का रास्ता जो है अब्बू गूगल मैप से देख रहा था बट आर पापा वॉज लाइक नहीं गूगल मैप जाए तेल लेने मैं हूँ गूगल मैप और लेते लेते पता नहीं कहाँ पे कौन सी सुनसान गलियों में ले आए हैं पापा
और अब इनको वापस होटल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। होटल दिख गए हैं वहाँ है, लेकिन अब जाना का ये रास्ता तो है नहीं, और ये सुनसान भी लग रहा है। क्या हम पहुंच पाएंगे घर? आज की वीडियो का टाइटल होगा यही, टर्की में हम घूम गए। वाओ, कैसा लग रहा है आपको घूम के? वैसा ही जैसे इंडिया में लगता है, मैं तो वैसे ही जाती हूँ, तो यहाँ आके घूम गए तो कौन सी नई बात है। और वैसे भी पापा वाज लाइक और भाड़ में जाए गूगल मैप, पापा इज ऑलवेज राइट, यू कैन नॉट आर्ग्यू। अभी हम गलत खो गए हैं, फिर भी पापा कह रहे हैं मैं सही हूँ। कह रहे हो यहाँ से जाए? मैंने कहा इधर से चलते हैं। होटल वो दिख गया है पीछे है, और मम्मी कह रही है पता नहीं किसी के घर के अंदर से चले जाओ। कमाल है, अब्बू बोल भी रहा था उस वक्त कि गूगल ये वाला रास्ता दिखा रहा है, पापा बोल रहे यही है भाई। अच्छा अब्बू ये बता रहा था, वो तो चौंक से वो दूसरी साइड बता रहा था। अब्बू ही गलत बता रहा था, गूगल मैप गलत, ओनली पापा राइट। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। यस, टर्की में खोने के बाद सही सलामत जिंदा पहुंच गए।